जो नंबर वाली ट्रेनियाँ हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है, एजेंसी खरीदी गई हैं, उन ट्रेनियों को चलाया जाएगा। जो जुगाड़ बनाई गई है दिल्ली से मोटर ला के जुगाड़ से, उन ट्रेनियों को बिल्कुल नहीं चलाने देंगे रोड पर, और उनसे जीड़ शीड़ हालत में हैं ऐसी ट्रेनियों को हम पुलिस लाइन में इनको यहाँ से रोड से हटा के क्रेन द्वारा, हमारी 4 क्रेनें लगी हुई हैं उसमें इनको ले जाके पुलिस लाइन, यातायात पुलिस लाइन में जमा करा रहे हैं। इनसे जुर्माना और इन पर सीज की कार्रवाई भी की जा रही है। ट्रेनियों के बारे में हमारे अधिकारी गणों का, महोदय का, सभी का आदेश है, एसपी सिटी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, कमिश्नर महोदय, जो नंबर वाली ट्रेनियाँ हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है, एजेंसी खरीदी गई हैं, उन ट्रेनियों को चलाया जाएगा। जो जुगाड़ बनाई गई है दिल्ली से मोटर ला के जुगाड़ से, उन ट्रेनियों को बिल्कुल नहीं चलाने देंगे रोड पर, और उनसे जीड़ शीड़ हालत में हैं ऐसी ट्रेनियों को हम पुलिस लाइन में इनको यहाँ से रोड से हटा के क्रेन द्वारा, हमारी 4 क्रेनें लगी हुई हैं उसमें इनको ले जाके पुलिस लाइन, यातायात पुलिस लाइन में जमा करा रहे हैं। इनसे जुर्माना और इन पर सीज की कार्रवाई भी की जा रही है, और शहर में चारों तरफ जाम की अब कोई कहीं स्थिति नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी सुधार हुआ है, जनता के द्वारा भी बताया जा रहा है कि साफ सुधार समझ में आ रहा है कि अब जाम जैसी स्थिति कहीं नहीं है। पेपर में भी निकलवाया है, जनता को बताया गया है, अलाउंस भी कराया गया है। जो हमारे चौराहों पर पीए सिस्टम लगे हुए हैं, कंट्रोल रूम द्वारा समय समय पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, और टेम्पुओं के लिए भी कहा गया है कि राइट हैंड सीधी तरफ जाली लगवाएं, पत्ती लगवाएं, कोई भी सवारी
राइट एंड की तरफ नहीं उतरेगी चलते में, और मोटरसाइकिलें हैं जिन्होंने जुगाड़ बना रखी उनको भी हम सीज कर रहे हैं, पुलिस लाइन में ले जाके उन पर भी कार्रवाई हो रही है। शहर को जाम से मुक्त, बिना जाम के कहीं भी किसी को आने जाने में कोई बाधा ना हो, ये कार्रवाई हमारे सभी साथियों द्वारा, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस के माध्यम से सभी लोगों के द्वारा कराई जा रही है। और आपको शहर में देखने को भी नज़र आ रहा होगा कब किसी तिराहे चौराहे पर टिर्री, टेम्पू कहीं अनाधिकृत रूप से खड़े नज़र नहीं आ रहे होंगे। वाले हैं बिना पढ़े लिखे हैं अधिकारीगढ़ आईटीओ साहब द्वारा, हमारे पुलिस के अधिकारीगढ़ एसपी ट्रैफिक महोदय द्वारा टिर्री की मीटिंग की गई थी। टिर्री वालों को बुलाया गया था और ये समझाया गया था कि हर चौराहे पर, शहर के किसी भी चौराहे पर 100 मीटर से पहले कोई टिर्री टेम्पू नहीं खड़ा करेगा, जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। और टिर्रियों जो बिना नंबर की चल रही हैं उनको हम नहीं चलने देंगे, रजिस्ट्रेशन वाली टिर्री हमें चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए टिर्री चलाने वाले का। कम उम्र वाले टिर्री नहीं चलाएंगे, सीनियर सिटीजन टिर्री नहीं चलाएंगे।